भाजपा नेता, उनके पास हम चलेंगे। स्वागत है आपका विनीत जी। क्या किया है सरकार ने व्यापारियों, व्यापारियों के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा अगर किसी पार्टी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। पिछली पार्टियां 59 वर्ष कांग्रेस ने देश को निचोड़ा, व्यापारियों को छला। समाजवादी पार्टी ने 15 वर्ष उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को ठगा। उत्तर प्रदेश में आज हमने व्यापारियों को वो दिया जो दिया। व्यापारी कहते थे हमसे कि हम खून पसीने कमाई टैक्स में देते हैं, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं पक्की। ये सड़क देखिए, सफाई सफाई करते हैं, ये समाजवादी पार्टी। अभी अभी सर क्या बात कर रहे हैं, मलाई की तरह सड़क है, मलाई की तरह सड़क है। आइए पर सड़क देख लेते हैं, आइए एक बार सड़क देख लेते हैं। वो देखिए सीवर है, चले चले ये देखिए सब ऐसी मलाई की तरह सड़क। गौरव चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवा नेता हैं। गौरव ये बताइए, अभी शारदा जी दावा कर रहे हैं आपको लग रहा है कि विकास हुआ है और आप लोगों के साथ पश्चिम यूपी की जनता चलेगी? ऑब्वियसली आप इतने आराम से घूम रहे हो तो विकास तो हुआ है। पहले आप मेरठ में घूमते ऐसे तो आपको पता चलता कि विकास और आज की तारीख में और उस टाइम में क्या अंतर है। अच्छा, आपको क्यों लगा ऐसा कि आपको अपनी जर्मनी से काम छोड़कर यहाँ आना चाहिए और राजनीति में हाथ आजमाना चाहिए, ऐसी क्या चीज आपके मन में खट? भाई बेटा तो भारत का हूँ और भारत माँ की सेवा नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, क्योंकि माँ बाप ने पढ़ के इस काबिल बना दिया कि मैं अपने देश के कुछ काम आ पाऊँ। फौज में जा नहीं सका तो सोचा कि चलो राजनीति के माध्यम से जनता की कुछ सेवा की जाए और जो काम नहीं हुए तो उसे करेंगे और सोच बदलेंगे। ये देखिए गड्ढा है, शारदा जी आइए, ये सीवर पानी लीकेज है। मेरी सरकार में, सरकार में हम मेरठ से दिल्ली का रास्ता 4 घंटे का था, हमने दिल्ली एक्सप्रेस वे बनवाया, आज मेरठ से दिल्ली 40 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उस गड्ढे का क्या, जो अभी मेरी बहन जब कहीं लाइन डलेगी, बिजली लाइन डलेगी, वह सीवर होगा, सीवर होगा तो सीवर को भी बनाया जाएगा ना। क्या 100% कुछ हो सकता है? 100% कुछ हो सकता है? आपको ये देखना चाहिए कि यार पूरी रोड है। नहीं चौधरी साहब, पूरी रोड है, हम 100% टारगेट लेके चलते हैं तो 80% दिखाएंगे। मिल रहा है ना, अभी 5 साल में हमने देश को आगे किया, 200% है, बट स्टिल वी आर ऑन 80%। अगर आप कह रहे हैं तो इट्स गुड यार, इसमें गलत क्या है? आप देखें पूरी रोड देखिए, अगर पूरी रोड में 2 गड्ढे आ गए तो इट्स 20% यार। ये सीवर है, ये गड्ढे नहीं है, गड्ढे देखते हैं। आपने समाजवादी पार्टी सरकार में इसके ना प्रदेश को देखा नहीं, पूरा काम वाम हो रहा है या ये गड्ढे खोदे जा रहे हैं? नहीं काम हो रहा है, काम हो रहा है। अच्छा, नगर निगम का काम हो रहा है, काम हो रहा है। क्या लग रहा है, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में या? विकास तो हो रहा है, सिर्फ गड्ढे ही खोदे गए? नहीं, सच्ची बात बताइए, सच्ची बात। नहीं विकास तो हो रहा है, थोड़ा सा नौकरी नहीं मिल पा रही लोगों को। विकास हो रहा है कि नौकरी नहीं मिल पाई? हमने नौकरी देना सिखाया है। क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदर्शन दोहरा पाई? बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है कि, और कुछ भी नहीं घाटा हो रहा है, ये सिर्फ अफवाहें हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप देखें, मैं देख रहा हूँ, तो हम दोबारा से रिपीट होंगे और इससे भी ज्यादा सीटों से रिपीट होंगे। 351 कमल खिलेंगे, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और कमल कमल खिलेगा, नमो नमो होगा, कमल 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 351 कमल मुख्यमंत्री। देखिए 351 बार इन्होंने कमल की माला जप ली है। तो बहरहाल हमारी ये पदयात्रा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए एबीपी गंगा के।